बागोड़िया तालुका के आमलियारा गांव में 19 साल की लड़की की कैनाल में हुई मौत अंतर्गत परिवार ने आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में इंचार्ज सीपी द्वारा परिवार के साथ किए गए गैर बर्ताव का विरोध करते हुए आज आम आदमी पार्टी द्वारा पुलिस के खिलाफ पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। वागोड़िया तालुका के आमलियारा गांव में 5 महीनों पहले 19 साल की लड़की की मौत हुई थी, जिसमें परिवार ने ये मौत के पीछे हत्या का आशंका और आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। 19 साल की नौजवान लड़की वैसी प्रेरणा शर्मा की कैनाल में डूबने के कारण मृत्यु होने की पुष्टि की गई थी, लेकिन मृतक के पिता द्वारा ये मौत पर आशंका व्यक्त करते हुए पुनः जांच की मांग की गई है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शहर जिला पुलिस अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखित और मौखिक रजुआतें की गई है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई भी परिणाम नहीं मिला। अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया गया, जिस अंतर्गत परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाते हुए वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर रजुआत करनी चाहिए थी। ऐसे में इंचार्ज CP मनोज नीनामा द्वारा परिवार के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गैर बर्ताव करने के साथ गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए हैं, जहां कल ही भारी हल्ला मचने के बीच आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा बरती गई इस प्रकार की गंभीर लापरवाही और गैर बर्ताव का विरोध करते हुए पत्रकारों को संबोधित कर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। ₹20 मार्च ना रोज आमलियारा गाम तालुको वागोड़िया जिल्लो वडोदरा 19 वर्ष की एक बाड़की जे पोताना घरेथी 8:30 जॉब पर जाए छे, 5:30 छूटे छे, छूट्या पछी परत ना आवता एना परिवारे दरेक जग्याए शोधखोळ करी अने बीजा दिवसे खबर पड़ी कि ए बाड़की ने कोई अभय पलास नामनो व्यक्ति एनी कंपनी परथी लई गयो छे अने बीजा दिवसे सवारे पोलिस फरियाद करवा माटे जो परिवारना माता पिता पोलिस स्टेशने गया होय अने त्यां एवी खबर पड़ती होय के भाई अहींयाथी कोई पण जातनी माहिती नथी, तदउपरांत माँ बाप पोते दरेक जग्याए शोधखोळ करी अने जाण मेळवी के अभय पलास नामनो व्यक्ति आ जग्याए रहे छे, आ जग्याएथी छोकरीने लई गयो छे, बाड़की हजु फक्त 19 वर्षनी ज छे अने तारीख 23 तेनी लाश छाणी केनालमांथी मळता तेमनी पासे फोन आवे छे कि भाई तमारी पुत्री छाणी केनालमांथी मळेल छे अने तमे SSG हॉस्पिटल आवी अने तेनी सहनात करी दो। माँ बापे जोयुं अने एमनी पुत्री ज हती, ते पछी ते लोकोए फरियाद करवा FIR करवा माटे 23 मार्च थी लई अने गईकाल सुधी 7 ऑगस्ट सुधी दौड़धाम करी छे, पण आज सुधी तेनी कोई पण जातनी FIR लेवाई नथी। काले गईकाले ते लोको आम आदमी पार्टीनी ऑफिसे आवी अने जाण करता अमो एमनी साथे कमिश्नर ऑफिस गयेल अने त्या रजूआत करता तेमनी मोटी बहन प्रेरणा शर्माની मोटी बहन જેમણે કમિશનર સાહેબને આખી વિગત બતાવેલ, કમિશનર સાહેબ વિગતને ઊંધા માર્ગે લઈ જવા કે તમારે પ્રેમ પ્રકરણ હતું કે છોકરી કેનાલ પર કેમ ગઈ તે વિશે એની બહેનને કે એના પરિવારને ખબર નથી, છતાં એ લોકોને ઉશ્કેરવા માગતા એ લોકોએ શાંતિથી જવાબ આપેલ અને પોલીસ કમિશનર સાહેબ ઉશ્કેરાઈ અને બેફામ ખરાબ ગાળો બોલી, ન બોલવાના શબ્દો બોલી અને નેશનલ પાર્ટીના કાર્યકરો જે ત્યાં એમની વારે ગયેલ તેમને બી દંડા મારો, પૂરી દો, ઊંધા સીધા જવાબો આપી અને ત્યાંથી ધક્કા મારીને કાઢી મૂકેલ અને અમે નીચે આવી મીડિયા સામે એ બયાન આપીએ તે બી કે સાહેબે મીડિયાને પહેલાં જ ઉપર બોલાવી લીધા અને એમને એવું કહી દીધું કે હું આવું કશું બોલ્યો જ નથી, જો આવું કશું બોલ્યા નહોતા તો મીડિયાને બોલાવીને આવા જવાબો આપવાની જરૂર ક્યાં હતી। 20 માર્ચ કો જબ મેરી બહેન કા મર્ડર હુઆ થા તો 20 માર્ચ કો રાત કો હી જિસને અભય નામ કે વ્યક્તિ ઉસને ઉસકી વાઇફ ને ભરત સિંહ પોલીસ સ્ટેશન મે વહાં પે જરૂર પોલીસ સ્ટેશન મે ફોન કર દિયા થા ભરત સિંહ કો
और सब कुछ बता दिया था कि मेरे घर वाले से मर्डर कांड हो गया है। भरत सिंह को सब कुछ पता था। फिर दूसरे दिन हम जरूरत पुलिस स्टेशन गए थे तो भरत सिंह हमको ये बोलता है कि उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया है, उसके घर वाले से मर्डर हो गया है, मैं उसे हाजिर कर लूँगा, आप लोग घर पे जाओ और तुम्हारी बहन वहाँ से गई आजवा चौकड़ी से, तो बाबत जाके रिपोर्ट लिखाओ। तो हम लोग बाबत पुलिस स्टेशन गए, बाबत पुलिस स्टेशन वहाँ पे गए, हमने सब कुछ बताया उन्हें कि अभय नाम का व्यक्ति मेरी बहन को लेके गया है कंपनी से। कंपनी के मैनेजर ने बोला है, वहाँ की हर लेडीज़ ने बताया था कि अभय ही लेके गया है। फिर भी बाबत पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, हम इतना सबूत हमको काफ़ी नहीं, और सबूत लाओ, जब भी हम कार्रवाई करेंगे। हम 3 दिन तक वहाँ धक्का खाते रहे लेकिन कोई भी पुलिस वाले ने हमारी मदद नहीं की। फिर 23 मार्च को मेरी बहन की लाश छानी के पानी के कैनल के अंदर से मिली, तो आरोपी को उन्होंने जरूरत पुलिस स्टेशन वालों ने पकड़ा और ये बताया पुलिस स्टेशन वालों ने कि तेरी बहन का फ़ोन पानी के अंदर गिर गया था, तो वो पानी के अंदर फ़ोन लेने के लिए गई थी तो पैर फिसल गया तो पानी में बह गई और इस अभय का कुछ भाग नहीं है। तो मैंने जो बाबोद में पुलिस वाले थे पारक सर, उनके सामने आरोपी से ये पूछा कि जब मेरी बहन पानी के अंदर गिरी तो तू वहाँ पे क्या कर रहा था, तुझे बचाना चाहिए था, 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए था, आजू बाजू गाँव में पता करना चाहिए था, तूने क्या किया। तो आरोपी को बोलने नहीं दिया वो जो पारक सर है पुलिस वाले, वो मुझे ऐसा बोलते, ओ बहन ये क्यों बचाएगा, ये तो भागी जाएगा ना, इसको क्या पड़ी है तेरी बहन को बचाने की, वो तो भागी जाएगा, वो तो हर कोई भाग जाता है, ये क्यों बचाएगा, ये बताया हमें। और बोलते हैं कि पानी के अंदर गिरने से मौत हुई, तो 3 दिन तक बॉडी पानी में रहेगी तो पानी कितना, वो बॉडी कितना फूल जाएगी, कितना पानी पी लेगी। पर मेरी बहन की बॉडी बिल्कुल पानी में नहीं फूली थी, उसके पेट के ऊपर पट्टा बांधा था, मैंने लास्ट को पास से देखा था, हाथ पैर में रस्सी से बांधने के निशान थे और पूरे मुँह पे तेजाब डाला हुआ था, दांत टूटे हुए थे,